नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 28 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए दुखद माना जाएगा। इस दिन एक साथ ही 3 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुखोई 30 और मिराज 2000 ने 28 जनवरी सुबह मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से विमान ने उड़ान भरी और दोनों विमान मुरैना की पहाड़ी पर टकरा गए। कुछ ही क्षणों में दोनों लड़ाकू विमान आग के गोलों में तब्दील हो गए। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बचे हैं, लेकिन दोनों लड़ाकू विमानों की दुर्घटना होना अपने आप में गंभीर बात है। ग्वालियर एयरबेस से मुरैना की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। ऐसा माना जा रहा है कि विमान उड़ने के साथ ही किसी तकनीकी खराबी का शिकार हो गए। भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई और मिराज दोनों ही विमान बहुत अहम है। पाकिस्तान पर जब एयर स्ट्राइक हुई तब इन विमानों की भी भूमिका रही थी। 28 जनवरी को सुबह ही राजस्थान के भरतपुर के उज्जैन की पहाड़ियों में एक और लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस विमान ने आगरा एयरबेस से उड़ान भरी थी, यानी 28 जनवरी को एक साथ 3 लड़ाकू विमान दुर्घटना के शिकार हुए हैं। सेना ने इन हादसों को गंभीर माना है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।